प्रिय छात्राओं नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम एमए फाइनल पेपर थर्ड कादंबरी कथा मुखम के शबर प्रज्ञा वर्णन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। शबर प्रज्ञा वर्णन में पिछले अनुच्छेदों में हमने देखा कि किस प्रकार से शबरों की सेना जंगल में प्रवेश करती है और वहाँ के पशुओं को पद चिन्हों के आधार पर, सुगंध के आधार पर पहचानती है और उस ओर गमन करती है। और शबर सेना के प्रवेश करते ही सभी जो वन्य पशु पक्षी सभी अपना अपना स्थान छोड़कर वहाँ से हड़बड़ाहट में भागने लगते हैं और इसी वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि जब हरिणियाँ है, गेंडों की मादाएँ है, हथिनियाँ है, सभी भय से त्रस्त होकर चिल्ला रही थी, चित्कार कर रही थी और उन सभी पशुओं के पीछे पीछे शिकारी भाग रहे थे। और उस समय का कैसा भयावह दृश्य था, उस दृश्य को कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है इस अनुच्छेद में। रूप अनुसार प्रधावितानां च मृगयूणां युगपद अतिरभस पाद पात अभिहताया पुवः कंपम इव जनयता चरण शब्देन कर्णांत आकृष्ट जायानाम च मदकल कुरर कामिनी कंठ पूजित कलेन शरनिकर वर्षिणाम धनुषाम निनादेन पवन आहति क्वणित धाराणाम असीनाम च कठिन महिष स्कंद पीठ पातिनाम रणितेन शूनाम च सरभस विमुक्त गर्गर्ध्वनीनां वनांतरव्यापिना ध्वनिन सर्वतः प्रचलितम इव तद अरण्यम अभवत। रूप अनुसार, रूप संस्कृत साहित्य में पशु सामान्य के लिए प्रयुक्त होता है। रूप का अर्थ मृग भी होता है, रूप का अर्थ सामान्य पशु के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो रूप अनुसार, रूप का अर्थ है पशु, जंगली पशुओं के, वन्य पशुओं के पीछे अनुसार पीछे पीछे प्रधावितानाम दौड़ने वाले, भागने वाले मृगयूणाम शिकारियों के युगपद अतिरभस, युगपद एक साथ, अतिरभस अत्यंत वेग से, पाद पाद पादों के प्रहार से, पादों के आघात से, अभिहताया भुवः कंपम इव, अभिहताया आहत गायल चोटिल, भुवः पृथ्वी में कंपम इव मानो कंपन उत्पन्न करते हुए चरण शब्देन जनयता, कंपम इव जनता जनयता जनयता का अर्थ उत्पन्न करते हुए, तो मानो कंपन या कंपकपी उत्पन्न करते हुए चरण शब्देन चरणों के पैरों के शब्द से, पैरों की ध्वनि से, जंगल में शिकारी एक साथ बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में उस जंगल में तेजी से जंगली पशुओं के पीछे भाग रहे थे और उनके चरणों के तेजी से पृथ्वी पर गिरने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी उनके चरणों के आघात को, उनके चरणों की चोट को सहन कर कांप उठी हो, कंपायमान हो गई हो। तो यहाँ कंपम इव में उत्प्रेक्षा है, सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार कवि ने प्रयोग किया है। कर्णांत आकृष्ट जायानाम च, कर्णांत कानों के अंतिम भाग तक, कानों के अंतिम छोर तक आकृष्ट जायानाम, जानाम अर्थात प्रत्यंचा, कर्णांत भाग तक कानों के समीप तक प्रत्यंचा को खींचने वाले और मदकल कुरर कामिनी कंठ कूजित कलेन, मदकल मद से सुंदर, मस्ती से सुंदर, कुरर कामिनी कुरर पक्षियों की स्त्रियों के अर्थात कुररियों के कंठ कूजित कलेन, कंठ से निसृत कूजित मधुर ध्वनि के समान, कलेन अव्यक्त मधुर ध्वनि से शरनिकर वर्षिणाम धनुषाम निनादेन, शरनिकर शरबाण निकर समूह, बाण समूह की वर्षिणाम वर्षा करने वाले धनुषाम निनादेन, धनुषों के टंकार से। यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि शिकारियों ने अपने कानों तक धनुषों की प्रत्यंचा को चढ़ा लिया था और वो निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे थे
और वो जो धनुषों की टंकार है ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो मद से सुंदर कुरर स्त्रियां जैसी अपने कंठ से मधुर कूजन करती है, ऐसी ही अव्यक्त मधुर जो टंकार है, अव्यक्त ध्वनि है उन धनुषों की टंकार से प्रतीत हो रही थी। पवन आहति क्वणित धाराणाम असीनाम च कठिन महिष स्कंद पीठ पाति नाम रणी तेन। पवन आहति, पवन के आहति चोट से, आघात से, प्रहार से, क्वणित खन खनाती हुई धाराणाम धाराओं वाली कठिन महिष स्कंद पीठ, कठिन महिष महिष यानी भैंसे, भैंसों के कठिन स्कंद पीठ, कठोर दृढ़ मजबूत स्कंद पीठ, स्कंद प्रदेश पर भैंसों के सुदृढ़ मजबूत कंधों पर पातीना गिरने वाली असीनाम, असीनाम तलवारों के रणितेन शब्द से ध्वनि से। तो यहाँ यह बताया है कवि ने कि पवन के तेज झोंकों से तलवारें लहरा रही थी, खनखनाहट उनमें उत्पन्न हो रही थी, खनखनाहट की आवाज उत्पन्न हो रही थी, खनखन कर रही थी, और जो शिकारी है वो अपनी तलवारों को हवा में लहराते हुए भैंसों के कंधों पर गिरा रहे थे, कंधों पर प्रहार कर रहे थे, उससे जो शब्द उत्पन्न हो रहा था उस शब्द से युक्त है। शूनाम च सरबस विमुक्त गर्घर ध्वनीनाम वनांतर व्यापिना ध्वनेन सर्वतः प्रचलितम एव तद अरण्यम अभवत। शूनाम च और सरबस, रबस का अर्थ होता है वेग, अत्यधिक वेग से, तीव्र वेग से, जोर से, गर्ग उन्मुक्त, सरबस विमुक्त, विमुक्त गर्घर ध्वनीनाम, गर्घर ध्वनि को छोड़ने वाले, जोर से गरगराहट करने वाले, गरगर ध्वनि निकालने वाले, गरगर की ध्वनि करने वाले, सुनाम कुत्तों के वनांतर व्यापिना, वन के मध्य भाग में व्यापिना व्याप्त हो जाने वाले, फैल जाने वाले ध्वनेन शब्द से सर्वतः प्रचलितम एव तद अरण्यम अभवत। तद अरण्यम वह अरण्य, वह जंगल प्रचलितम इव मानो सर्वतः प्रचलितम अभवत, सब ओर से प्रचलित हो गया था, सब ओर से कंपायमान हो उठा था, कांप सा गया था। यहाँ ये बताया कि जो शिकारियों के साथ कुत्ते थे वे कुत्ते तेज कंठ से जोर से गरगर ध्वनि कर रहे थे, गरगराहट कर रहे थे, और उनकी ये गरगराहट जो है, गरगर शब्द जो है उनका, वो पूरे वन प्रदेश में फैल गया था। उससे वह जो वन है, मानो जो शांत वन था, वह वन भी मानो कांप सा गया था, कंपायमान हो गया था, कंपित हो उठा था। तो यहाँ भी प्रचलितम एवं सुंदर उत्प्रेक्षा की कवि ने सृष्टि की है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, कंपम एवं प्रचलितम एवं दोनों ही स्थानों पर सुंदर उत्प्रेक्षा की है कवि ने, सुंदर कल्पना की है कवि ने, और वन की उस समय की भयावहता को साक्षात कवि ने प्रदर्शित किया है। भयानक रस की भी यहाँ सृष्टि हुई है, और रस के अनुरूप वैसी ही कठोर भाषा का भी सरभस विमुक्त घरघर ध्वनि नाम कठिन महिष स्कंद पीठ पाति नाम रणितेन पवन आदि कणित धारा नाम असी नाम च, यहाँ इन पंक्तियों में वैसी ही कठोर कर्ण कटु शब्दावली का भी कवि ने प्रयोग किया है। सुंदर भयानक रस की भी यहाँ सृष्टि हुई है। साथ ही कंठ पूजित कलेन, यहाँ लुप्तोपमा अलंकार की सृष्टि हुई है। लुप्तोपमा अलंकार है, कुरियों के कंठ के, कंठ की ध्वनि के समान कल से अव्यक्त ध्वनि से, इस प्रकार से लुप्तोपमा की कवि ने सृष्टि की है। और यहाँ मृगया का शिकार का स्वाभाविक चित्रण है, शिकारियों की स्वाभाविक क्रियाओं का यहाँ चित्रण है, यथार्थ चित्रण है। कवि पर्यटन प्रिय थे, प्रत्येक स्थल का उन्होंने भ्रमण किया था, और हर घटना को, हर तथ्य को उन्होंने समीप से देखा, और उसी रूप में उसका यथा तथ्य चित्रण अपनी लेखनी द्वारा किया है। इसलिए यहाँ मृगया के वर्णन में भी अत्यंत स्वाभाविकता आ गई है, स्वाभाविक अलंकार भी यहाँ सृष्टि
सृजित हो रहा है। अब इसी के आगे शबर मृगया वर्णन का जो अंतिम अनुच्छेद है उसका हम अध्ययन करेंगे। अचिरात च प्रशांति तस्मीन मृगया कलकले निर्वृष्ट मूक जलधर वृंदनुकारिणी मथन अवसान उपशांत वारिणी सागर इव स्थमितताम उपगते कानने मंदीभूत भयो अहम उपजात कुतूहलः पितुः उत्संगात इषद एव। यहाँ उत्संगात है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, उत्संगात इषद एव निष्क्रम्य कोटिरस्थ शिरोधराम प्रसादि संत्रास तरल तारकः शेषवात किम इदम इति संजात विद्रक्षः तामेव दिशं चक्षुः प्राहिणवम्। जब शिकारी शिकार करके उस वन से प्रस्थान कर जाते हैं, जंगल से निकल जाते हैं, तब जंगल में उत्पन्न जो शिकार से उत्पन्न जो कोलाहल था, शोर था, वह थम जाता है, शांत हो जाता है, उसी का यहाँ चित्रण किया गया है। अचिरात च और अचिरात अधिक समय तक नहीं, अर्थात शीघ्र ही तस्मीन मृगया कलकले प्रशांते उस मृगया के शोर के कोलाहल से प्रशांते मतलब उस जंगल के उस वन के शांत हो जाने पर निर्वृष्ट मूक जलधर वृंद अनुकारिणी निर्वृष्टिनी पूरी तरह से बरस चुके और मूक अर्थात शांत हुए जलधर वृंद अनुकारिणी जलधर बादल वृंद समूह बादल समूह का अनुकरण करने वाले या बादल समूह के समान प्रतीत होने वाले तो पूर्ण रूप से बरस कर शांत हुए बादल समूह का अनुकरण करने वाले या बादल समूह के समान प्रतीत होने वाले तथा मथन अवसान उपशांत वारिणी मथन क्षीर सागर के मंथन के अवसान यानी समाप्ति पर उपशांत वारिणी शांत हुए जल वाले सागर एव सागर के समान समुद्र के समान स्थमितताम उपगते कानने स्थमितताम निस्तब्धता को यानी शब्दता को कानने उपगते उस जंगल के प्राप्त हो जाने पर। यहाँ कवि ने बताया है कि जैसे बादल पूर्ण रूप से बरस चुके हो और फिर आकाश में एकदम शांति छा जाती है और साथ ही दूसरी जो उपमा दी है दूसरी जो कवि ने कल्पना की है वो यह है कि क्षीर सागर का जब मंथन हुआ था और मंथन की जैसे ही समाप्ति क्षीर सागर का जब मंथन हो रहा था तब तेज कोलाहल हो रहा था लेकिन जैसे ही मंथन समाप्त हुआ सब और स्तब्धता छा गई थी निशब्दता छा गई थी सागर का जल पूर्ण रूप से शांत हो गया था। तो ऐसे ही शिकारी जब वन से चले जाते हैं शिकार जब है समाप्त हो जाता है तब वह जंगल भी पूर्ण रूप से निशब्द हो जाता है शांत हो जाता है। तो पौराणिक संदर्भ के द्वारा कवि ने अरण्य की उस जंगल की निशब्दता का सुंदर चित्रण यहाँ किया है। मंदी भूत भयो अहम उपजात कुतूहला मंदी भूत भयो मंदी भूत भय वाला कम हुए भय वाला और अहम उपजात कुतूहला और कुछ कौतूहल उत्पन्न हुए वाला उत्पन्न औत्सुक्य वाला अहम में पितुः उत्संगात एव पितुः उत्संगात एव पिता की उत्संग यानी क्रोध से इषदेव मानो थोड़ा सा निष्क्रम्य बाहर निकलकर पिता की गोद से थोड़ा सा बाहर निकलकर कोटरस्थ एव खोखल में ही शिरोधराम प्रसार्य शिरोधरा गर्दन को प्रसार्य फैलाकर बाहर की ओर थोड़ा सा झाँक कर बढ़ा गर्दन को बढ़ाकर फैलाकर संत्रास तरल तारक संत्रास भय के कारण तरल तारक चंचल पुतलियों वाला शेषवात बचपन के कारण शेषवावस्था के कारण किम इदम इति संजातः किम इदम यह क्या संजात हो रहा है यह क्या हो रहा है इति इस प्रकार या यह दिदक्षः देखने की इच्छा से तामेव
तमेव उस ही दिशम दिशा की ओर चक्षुह प्राहिणवम दृष्टि दौड़ाई या उसी दिशा की ओर चक्षुह प्राहिणवम देखने लगा। वैशंपायन चुक बच्चा था इसीलिए जब तेज शोर और कोलाहल शांत हो गया तो उसका भय भी कम हो गया और उस खोखल से थोड़ा सा वो पिता की गोद से खोखल में ही पिता की गोद से बाहर निकला और अपनी गर्दन थोड़ी सी बाहर बढ़ाकर बाहर के दृश्य को देखने लगा। भय के कारण उसकी पुतलियां अत्यधिक गतिशील हो गई थी, चंचल हो गई थी और यह सब क्या हो रहा है, इस तरह का उसमें कौतूहल उत्पन्न हो गया था। और इस प्रकार जहाँ यह क्या हो रहा है ऐसा देख कर ये देखने की इच्छा से ही वो उसी ओर जिधर से शोर समाप्त हुआ था उसी ओर वो दृष्टि दौड़ाने लगा अर्थात उसी दिशा की ओर वो देखने लगा था। तो यहाँ बाल सुलभ जिज्ञासा का भी कवि ने वैशंपायन सुख के माध्यम से सुंदर वर्णन किया है। बच्चे भी अपने उत्सुकता बस इसी प्रकार से जिधर से शोर थमता है या आता है उसी ओर अपनी निगाहें डालते हैं, उसी ओर देखते हैं, इसका सुंदर कवि ने यहाँ चित्रण किया है। मंदीभूत में च्वी प्रत्यय है, मंद च्वी भू और त प्रत्यय। च्वी प्रत्यय कवि का अत्यंत ही प्रिय प्रत्यय है। यहाँ सागर एवं में उपमा अलंकार है, सुंदर उपमा की यहाँ कवि ने सृष्टि की है। इस प्रकार से शबर मृगिया का सुंदर सजीव प्रत्यक्ष चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है। आज बस इतना ही। प्रिय छात्राओं, आपसे पुनः अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।